टेरागास थाना क्षेत्र के भोरा पंचायत के फुलवड़िया में रखे पुआल के ढेर में लगी अचानक भीषण आग। आग लगने से गांव में अफरा तफरी। वहीं स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आपको बता दें कि टेरागास थाना क्षेत्र के भोरा पंचायत के फुलवड़िया हाट में अचानक पुआल के ढेर में भीषण आग लग गई। वहीं आग लगी की खबर सुनते ही गांव में अफरा तफरी मच गई और ग्रामीणों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। टेरागास प्रखंड क्षेत्र के बेनुगर में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का चौथा लीग मैच बैगना और टंगटंगी के बीच खेला गया, जिसमें टंगटंगी टीम के कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 16 ओवर में 7 विकेट खोकर 125 रनों का लक्ष्य बैगना की टीम को दिया। जवाब में बैगना की टीम बल्लेबाजी करने उतरी, इस लक्ष्य को 15 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस तरह से यह मैच बैगना की टीम जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। टेरागास पुलिस ने बढ़ते जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए अलग अलग चौक चौराहों पर चलाया मास्क चेकिंग अभियान। बगैर मास्क पहनकर घूमने वाले व्यक्तियों से वसूला जुर्माना। आपको बता दें कि जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए टेरागास पुलिस ने थाना क्षेत्र के अलग अलग चौक चौराहों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया, जहाँ बगैर मास्क पहनकर घूमने वाले व्यक्तियों से जुर्माना वसूल कर उन्हें दो दो मास्क के वितरण किए और मास्क पहनकर चलने की सख्त हिदायत दी। जिला पदाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश के आदेश पर टेरागास प्रखंड विकास पदाधिकारी गणोर पासवान ने टेरागास प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग पंचायतों में हर घर नल जल योजना के कार्य का जांच किया। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि जिला पदाधिकारी के आदेश पर पंचायतों में हर घर नल जल योजना का कार्य का जाँच किया जा रहा है। जाँच रिपोर्ट जल्द ही किशनगंज जिला पदाधिकारी को सौंपा जाएगा। इसी को लेकर विभिन्न पंचायतों में अलग अलग टीम बनाकर जाँच किया जा रहा है।